हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोमवार को कैथल में थे। दुष्यंत चौटाला ने जींद खनौरी बाईपास पर कैथल राइस मिलिंग क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के चावल एक्सपोर्टर्स का ईरान में पैसा फंसे होने का मुद्दा उठाया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह एक इंटरनेशनल मसला है जिससे ईरान से कारोबार करने वाले पूरे देश के व्यापारी प्रभावित हैं। मेरी नॉलेज में यूएस डॉलर में ट्रेडिंग के प्रति कोई रिस्ट्रिक्शन जी, और उसके अंदर इंडिया जितना तेल लेता है उतनी करेंसी के पास जाते हैं जी। ट्रेड की बात नहीं, भुगतान रुका हुआ हरियाणा के मिलर्स का और उसका सीजन में बहुत सारा असर हुआ है, रेट में बहुत असर हुआ है। हमारे मेरे संज्ञान में तो ये मामला आया नहीं जी, आएगा जैसे साथी बता रहे कि शॉर्ट आउट होने लग गया जी। उम्मीद रखते हैं जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इसमें करेगी, क्योंकि ये आपके हरियाणा के इंडिकेशन में पूरे इंडिया के व्यापारी जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं उनके साथ। नागरिकता कानून में संशोधन पर उठाए जा रहे प्रश्नों को दुष्यंत चौटाला ने बेमानी बताया। दुष्यंत चौटाला ने विरोध करने वालों को बिल की गहराई तक जाने की सलाह दी। यह बात मैं तो आप जैसे साथियों के अखबार की एक न्यूज देख रहा था कि एक पूर्व सांसद पाकिस्तान के और यहाँ पर रेडी पे सब्जियाँ वो इस देश के नागरिक बनना चाहते हैं, पर आज कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। आज उसके लिए बदलाव लाया गया है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ से जो माइनॉरिटीज आकर नागरिकता लेना चाहें उनके लिए एक प्रावधान इसी के माध्यम से। मैंने तो राजस्थान की एक स्टोरी देखी थी जहाँ 12 साल 13 साल 20 साल से बैठे लोगों को अब जाके नागरिकता मिली। लगता है उस प्रोसेस को ईजी करना अगर कोई विरोध करता है उसको पहले क्रक्स तक जाना। कैथल जिले में रोडवेज की बसों की खराब हालत के बारे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी जल्दी ही निर्णय लेगी और नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी। डिस्ट्रिक्ट का बयान आया नई बसों को अब डिस्ट्रिक्ट वाइज और जोड़ा जाएगा और एक रिस्ट्रिक्शन BS4 से BS6 की भी आई है जिसको सुप्रीम कोर्ट और NGT ने अप्रूव किया। मुझे लगता है कि सरकार हाई पावर परचेज कमेटी के अंतराल मामला है और उसको जल्द ही निर्णय लेंगे। पेंशन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के संबंध में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए वित्तीय प्रावधान होने जरूरी है। इस संबंध में गठित कमेटी की बैठक इसी महीने होनी है। और पेंशन एक ऐसी चीज नहीं है जिसको फाइनेंशियल एलोकेशन बिना अप्रूव कर दिया जाए, अध्यक्षता के अंदर और 3 पूर्व विधायक मिलकर उस कमेटी के सदस्य बने, उस पर एक बार चर्चा कर चुके हैं। इसी महीने के अंत तक दोबारा एक बार मुलाकात। कैथल जिले के JJP कार्यकर्ताओं को चेयरमैनी देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दुष्यंत चौटाला मजाक में टाल गए। तोहफा मिला ही है जब इसकी मेहनत ने सरकार में हिस्सेदारी डाली। आप ही बढ़ जाओ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुष्यंत चौटाला की कार्य शैली के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।